उन्नाव रेप केस में दोषी करार दिए गए कुलदीप सिंह सेंगर की सजा का ऐलान हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, आज दोषी विधायक की सजा को लेकर बहस हुई, इसके बाद कोर्ट इस मामले में अपना अंतिम फैसला अब दे रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर दे रहे हैं आपको इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। पहले ही सीबीआई ने दोषी विधायक के लिए अधिकतम सजा की मांग की थी और खबर ये कि उम्र कैद की सजा अब होगी। रेप और मर्डर के केस में कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है कोर्ट की ओर से। ये इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी से निष्कासित विधायक उन्नाव से, और आज सजा का ऐलान कोर्ट की ओर से किया गया है। गुनाहों की सजा, पापों की सजा कुलदीप सिंह सेंगर को अब मिलेगी। उम्र कैद की सजा सुनाई गई है कोर्ट की ओर से। ये इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। रेप और मर्डर केस में कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है कोर्ट की ओर से। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर। मुश्किल अब बढ़ेगी कुलदीप सिंह सेंगर की, विधायकी पूरी तरह से खत्म, राजनीतिक भविष्य पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और जो गुनाह और जो पाप किए गए थे उसकी सजा अब कुलदीप सिंह सेंगर को मिलेगी। उम्र कैद की सजा सुनाई गई है कोर्ट की ओर से। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। 2017 का ये पूरा मामला, 2.5 से 3 साल का इंतजार पीड़िता को यहां करना पड़ता है, इंसाफ नहीं मिलता और अभी भी पीड़िता की गंभीर हालत है। दिल्ली के अस्पताल में पीड़िता का इलाज चल रहा है, वो भर्ती है वहां पर। परिवार में बहुत ज्यादा लोग बचे नहीं है इस पूरे मामले में। इससे पहले ही चाची और मौसी की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी। अब इंसाफ कह सकते हैं कि पीड़िता को कुछ हद तक मिला है। उम्र कैद की सजा का ऐलान दिल्ली की 30,000 कोर्ट की ओर से किया गया है। कुलदीप सिंह सेंगर दोषी करार दिया गया था, सजा पर जिरह चल रही थी आज दोपहर से ही, 12 बजे से ही, और अब खबर ये मिल रही है इस पूरे मामले में कि उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया है दिल्ली की 30,000 कोर्ट की तरफ से। सीबीआई की ओर से पहले ये मांग की गई थी कि सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, एक नजीर पेश होनी चाहिए, ऐसे लोगों के बीच एक बड़ा संदेश जाना चाहिए जिससे आगे इस तरह की हरकत करने से पहले 1,000 बार वो सोचें। क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग जो मिसयूज करते हैं अपनी पावर का, सत्ता की हनक में इस कदर चूर हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि क्या कर रहे हैं, और एक लड़की के साथ जो किया था कुलदीप सिंह सेंगर ने, उसकी सजा कुलदीप सिंह सेंगर को यह मिली है कि उम्र कैद, अब ताम्र जेल में बितानी होगी कुलदीप सिंह सेंगर को। इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर, कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया है दिल्ली की 30,000 कोर्ट की तरफ से। तो उन्नाव की बेटी को अब इंसाफ मिला है, 2.5 से 3 साल बाद इंसाफ मिला है। कई सवाल खड़े हुए थे इस पूरे मामले पर जब पूरा मामला सामने आया था। उस वक्त बीजेपी में शामिल था कुलदीप सिंह सेंगर, विधायक था भारतीय जनता पार्टी से, और निष्कासित बाद में बीजेपी की ओर से कर दिया गया जब सवाल के घेरे में कुलदीप सिंह सेंगर आया। आरोप जब तय हो गए थे, सिद्ध हो गए थे, उसके बाद बीजेपी की ओर से पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। लेकिन विधायकी भी अब चली जाएगी कुलदीप सिंह सेंगर की, चूंकि उम्र कैद की सजा का ऐलान दिल्ली की 30,000 कोर्ट की ओर से किया गया है। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है, सेंगर को उम्र कैद की सजा और यहां पर इंसाफ उन्नाव की उस लड़की को मिला है जिसने ना जाने कितने जुर्म सहे हैं, ना जाने कितना प्रताड़ित इस लड़की को किया गया था कुलदीप सिंह सेंगर की ओर से। हालांकि जो साथी थी कुलदीप सिंह सेंगर की शशि सिंह, उसे बरी कर दिया गया था कोर्ट की ओर से, लेकिन कुलदीप सिंह को दोषी करार दिया गया था और जिरह इससे पहले 2 दिन पहले भी हुई थी। सजा पर मुआवजे को लेकर बात हुई थी, कहा गया था कोर्ट की ओर से कि जो सभी संपत्ति है उसकी रिपोर्ट पेश करें, संपत्ति का पूरा ब्यौरा जो कुलदीप सिंह सेंगर के वकील हैं वो कोर्ट के सामने रखें। और आज जब जिरह की शुरुआत हुई तो सीबीआई की ओर से एक बार फिर से यही बात कही गई थी कि ज्यादा से ज्यादा सजा होनी चाहिए। पॉक्सो एक्ट के तहत चूंकि दोषी करार दिया गया था, ऐसे में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा क्या सजा हो सकती थी, इस पर भी पूरी बहस चली और अब आखिर में परिणाम ये निकलकर आया कि उम्र कैद की सजा अब कुलदीप सिंह सेंगर को हुई है। तो सबसे बड़ी खबर ये इस वक्त की, कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा हुई है दिल्ली की 30,000 कोर्ट की ओर से। ये फैसला दिया गया है सेंगर के ऊपर, साथ ही साथ 25,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ये भी अपडेट आपको एक और दे रहे हैं, 25,00,000 रुपए का जुर्माना कुलदीप सिंह सेंगर पर लगाया गया है कोर्ट की ओर से। उम्र कैद की सजा का ऐलान दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने किया है, साथ ही साथ 25,00,000 रुपए भी कुलदीप सिंह सेंगर को देने होंगे। तो आखिरकार इंसाफ उन्नाव रेप पीड़िता को मिला,
और पहले पुलिसकर्मियों पर भी अधिकारियों पर भी कई सवाल उठे थे, क्योंकि इस पीड़िता को मजबूरन आत्महत्या की कोशिश करनी पड़ी थी, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया था, जिसके बाद शिकायत दर्ज की गई थी। पवन काम रुक कर लेते, फोन लाइन पर हमारे संवाददाता पवन जुड़ गए हमारे साथ। पवन, सबसे बड़ी खबर, आखिरकार इंसाफ मिला है, उम्र कैद की सजा कुलदीप सिंह सेंगर को? बिल्कुल, देखिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और सबसे बड़ी बात है कि 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, यानी कि पूरी तरीके से इंसाफ मिलने की बात सामने आई है और पीड़िता के परिवार को प्रोटेक्शन भी देने की बात की गई है पुलिस के द्वारा। ये भी कहा गया है कि पुलिस पूरी तरीके से सुनिश्चित करे कि पीड़िता के परिवार को पूरी तरीके से प्रोटेक्शन दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा फैसला कि जज साहब ने जब ये फैसला पढ़ा तो उन्होंने पीड़िता के परिवार का दर्द पहली ही लाइन में बताया और उसके बाद उन्होंने बताया कि जो आरोपी है कुलदीप सिंह सेंगर, उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है और उन पर जो अर्थदंड लगाया जाता है वो 25 लाख का अर्थदंड लगाया जाता है। जी बिल्कुल, और इंसाफ आखिरकार कहेंगे कि उन्नाव की उस लड़की को मिला है, रेप पीड़िता को मिला है, इस पूरे मामले पर अगर नजर डालते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से प्रताड़ित उस लड़की को किया गया था, उसके परिवार वालों को किया गया था, अब मुश्किल बढ़ेगी। इंसाफ अब कहां जाएगा पवन, की मिला है विधायक की जाएगी अब कुलदीप सिंह सेंगर की, और पूरी उम्र अब जेल में बितानी होगी। कहीं ना कहीं ये पूरी उम्र जो है जेल में बिताने का फैसला इस कोर्ट ने दिया है। और अब सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से पूरे पीड़िता के पूरे परिवार को प्रताड़ित किया गया, पीड़िता को प्रताड़ित किया गया, उससे कहीं ना कहीं ये फैसला उसके जो बचे कुचे परिवार के लोग हैं, जो पीड़िता खुद है, उसके लिए एक बहुत ही संतोष की एक बहुत ही ऐसा फैसला रहेगा जिससे उसके चेहरे पे उसके दर्द को कहीं ना कहीं मिटाने के लिए उसके चेहरे पे खुशी दिखाई देगी। तो ये सबसे बड़ा फैसला आया है कोर्ट का, आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही साथ 25 लाख रुपए का अर्थदंड यानी कि जो जुर्माना है वो लगाया गया है। इससे पहले जो प्रॉपर्टी के पेपर्स मंगाए गए थे, उन प्रॉपर्टी के पेपर्स को देखा गया, उनको प्रॉपर्टी के पेपर्स को देखने के बाद उन्हें रीड किया गया, उसके बाद 25 लाख रुपए का ये जुर्माना कुलदीप सिंह सेंगर पर लगाया गया है। जी बिल्कुल, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पीड़िता को 10 लाख का मुआवजा देना होगा, 25 लाख रुपए का जुर्माना कुलदीप सिंह सेंगर पर लगाया गया है, उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया है, तो 10 लाख रुपए मुआवजा पीड़िता को देना होगा पवन, कुलदीप सिंह सेंगर को। तो नाउ रेप केस में सजा का ऐलान हो चुका है, 10 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर कुलदीप सिंह सेंगर को देने होंगे पीड़िता के परिवार वालों को, पीड़िता को इसके अलावा 25 लाख रुपए का जुर्माना कुलदीप सेंगर पर लगाया गया है, उम्र कैद की सजा कोर्ट की ओर से सुनाई गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, इंसाफ आखिरकार पीड़िता को मिल गया है। पवन भी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर, पवन और क्या जानकारी मिल पा रही है इस पर? बिल्कुल, देखिए जब पूरा मामला शुरू हुआ 2 बजे, जब जज ने इस पूरे मामले को पढ़ना शुरू किया तो कहीं ना कहीं जज साहब ने सबसे पहली शुरुआती लाइन में उन्होंने पीड़िता के परिवार और पीड़िता का दर्द बयान किया। उन्होंने बताया कि किन हालातों में पीड़िता गुजरी है, उसका परिवार गुजरा है और कैसे इस पूरे मामले को जहां तक पहुंचने में कठिनाइयां हुई। उन्होंने ये भी कहा कि जो आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर है उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है और सबसे बड़ी बात है कि 25 लाख रुपए का अर्थदंड यानी जुर्माना उन पर लगाया जाता है और 10 लाख रुपए पीड़िता के परिवार को देने की बात भी उन्होंने की है। लेकिन इस कोर्ट के फैसले ने एक बहुत बड़ी नजीर रखी है, जो कई सालों से इंतजार था वो इस कोर्ट के की सुनवाई के बाद आज जो फैसला आया है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला आया है। और अब ये फैसला उन लोगों के लिए भी नजीर बनेगा जो बड़े लोग हैं, दबंग हैं और इस तरीके का जघन्य अपराध करते हैं, उन्हें लगता है कि शायद कानून उन्हें पूरी तरीके से बख्श देगा, लेकिन इस तरीके के फैसले एक बड़ी नजीर होते हैं। और जिस तरीके से धर्मेश शर्मा की विशेष अदालत ने ये फैसला सुनाया है कि अपने आप में एक बड़ी नजीर है और पीड़िता के परिवार को जो इतने दिनों से वो तड़प रहे थे, परेशान थे और लगातार कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, उनको कहीं ना कहीं एक बड़ा रिलीफ मिलता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, बलात्कारी सेंगर को उम्र कैद की सजा, विधायक नहीं कहलाएगा कुलदीप सिंह सेंगर, बड़ा झटका पवन लगा है, कहा जा रहा है कि रो पड़ा। इससे पहले बॉडी लैंग्वेज हमने देखा है कई बार सुनवाइयों के दौरान भी, जब कुलदीप सिंह सेंगर पहुंचता था तो चेहरे पर हंसी मुस्कान हमेशा देखने को मिली थी, कभी पछतावा कुलदीप सेंगर ने नहीं किया अपने गुनाहों का, अपने पापों का, लेकिन आज कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो रो पड़ा कुलदीप सेंगर।
बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं जो है इस तरीके के फैसले आपके किए हुए जघन्य अपराधों को एक एक करके आपके आंखों के सामने वापस लेकर आते हैं, और यही हुआ कुलदीप सिंह सेंगर के पास। अगर बात करें तो इससे पहले कुलदीप सिंह सेंगर जब भी कोर्ट में मौजूद रहे वो यही कहते नजर आए कि मैं दोषी नहीं हूँ, मुझे जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, और हमेशा उनके चेहरे उनके परिवार के लोगों पर एक मुस्कान नजर आती थी। लेकिन इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं आंखों में एक आंसू दिखाई दिए कुलदीप सिंह सेंगर के। आजीवन कारावास की जब सजा सुनाई गई कोर्ट द्वारा तो कुलदीप सिंह सेंगर पूरी तरीके से बिफर पड़े और उनकी आंखों में जो आंसू थे वो उन्हें नहीं रोक पाए, क्योंकि उन्हें पता है कि जो भी उन्होंने किया है उसके लिए इस कोर्ट से उन्हें सजा मिल चुकी है। इसीलिए कोर्ट ने उन पर 25 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है और साथ ही साथ आजीवन कारावास की कठोर सजा भी सुनाई है। यानी कि अब पूरी जिंदगी अगर विशेष न्यायालय की ऑर्डर को पूरी तरीके से माने तो पूरी जिंदगी आजीवन कारावास यानी जेल के अंदर कुलदीप सिंह सेंगर को बितानी पड़ेगी। जी बिल्कुल, अब उम्र भर जेल में बितानी पड़ेगी कुलदीप सिंह सेंगर को। गुनाहों का हिसाब आज हुआ है कुलदीप सिंह सेंगर के। एक नजीर पेश होगी क्या पवन इससे, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो मिसयूज करते हैं अपने पावर का। कुलदीप सिंह सेंगर उन्हीं ऐसे लोगों में से एक शामिल जिसकी ओर से गलत इस्तेमाल अपनी पावर्स का किया गया, सत्ता का दुरुपयोग किया गया। एक बड़ी नजीर क्या यहाँ पर पेश होगी? बिल्कुल, एक बड़ी नजीर है, और जिस तरीके से 2017 से लेकर ये मामला लगातार अब चलता चला आ रहा था और पीड़िता के परिवार और लोगों ने इस बात की एक आस छोड़नी शुरू कर दी थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इतने बड़े लोगों से टकराने का अंजाम शायद यही होगा कि उन्हें फैसला उनके हक में नहीं आ रहा है, उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। लेकिन इस तरीके के फैसले अपने आप में एक बहुत बड़ी नजीर पेश करते हैं और ये बताते हैं कि इस पूरे समाज में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, जनप्रतिनिधि हो, जनता ने उसे चुना हो, चाहे वो MLA हो, चाहे वो किसी भी बड़े पद पे आसीन हो, अगर वो इस तरीके का जघन्य अपराध करता है तो कोर्ट कहीं ना कहीं उसे बख्शने वाला नहीं है। ये फैसला इस बात का नजीर है कि जिस तरीके से आजीवन कारावास की सजा कुलदीप सिंह सेंगर को सुनाई गई है तो कुलदीप सिंह सेंगर के वकील और बाकी लोग ये उम्मीद कर रहे थे कोर्ट से कि 10 साल या 11 साल की सजा सुनाई जाएगी, जिसके बाद वो ऊपर के कोर्ट में अपनी याचिका डालेंगे और उन्हें काफी रिलीफ मिलेगा। लेकिन इस आजीवन कारावास के फैसले ने पूरी तरीके से मनोबल तोड़ दिया है ऐसे जघन्य अपराध करने वाले जो दबन लोग हैं उन सभी का, और ये अपने आप में एक नजीर है पूरे समाज के उन लोगों के लिए जो इस तरीके का जघन्य अपराध करते हैं और कानून को तोड़ मरोड़ कर अपने लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, सारी दलीलें बेकार गई। इससे पहले हमने पवन देखा किस तरह की क्या क्या दलीलें दी गई थी बचने के लिए कुलदीप सिंह सेंगर के वकील की ओर से, लेकिन कोई दलील यहां पर काम नहीं आई। जो पाप किए थे उनकी सजा अब आज मिली है कुलदीप सिंह सेंगर को। आपका शुक्रिया पवन जुड़ने के लिए और जानकारी इस पर देने के लिए। तो इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है, 10 लाख रुपए का यहाँ पर देना होगा मुआवजे के तौर पर पीड़िता को, उसके परिवार वालों को। इसके अलावा 25 लाख रुपए का मुआवजा कुलदीप सिंह सेंगर पर, 25 लाख रुपए का जुर्माना यहाँ पर लगाया गया है कुलदीप सिंह सेंगर पर।